हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। आज 23 अगस्त 2021 रिव्यू करेंगे 1 लाख रुपए का थोड़ा सा पुराना पोर्टफोलियो। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट गिरा था तो लगभग 1-1.5 साल पहले ही इन्होंने शेयर को पिक किया था। पोर्टफोलियो का साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 1,03,000 रुपये का, जिसके अंदर इनको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 45% का बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट। आज की डेट पर यह पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चल रहा है करीबन 1,48,820 रुपये का, यानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये का। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में टोटल 17 अलग अलग शेयर को पिक किया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा शेयर में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कौन कौन सा शेयर को इन्होंने पिक किया। तो सबसे पहला दोस्तों शेयर जो इन्होंने पिक किया है 3i Infotech, IT सेक्टर का एक पेनी शेयर। 7.42 रुपये के आसपास इन्होंने शेयर को पिक किया था, आज की डेट पे 7.03 रुपये के आसपास चल रहा है। नो डाउट हाईली रिस्की स्टॉक है, 5% का जिस कारण इनको लॉस भी हो रहा है। कुछ टाइम पहले 10 रुपये के ऊपर गया था, आज की डेट पे फिर से अभी गिरावट देखने को मिला। बट इन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही देखिए यहाँ पे मतलब स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया, कैलकुलेटेड रिस्क लेके। कितना निवेश किया? 148 रुपये का ही निवेश किया। तो इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अगर ये शेयर प्राइस कल अगर 1 रुपये पे भी आ गया तो इनके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमेशा मैं बिगिनर्स को सिखाता हूँ, बोलता हूँ कि रिस्की शेयर ज़रूर आपको चुनना चाहिए जो कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट उतना ही निवेश करना। कल अगर ये शेयर गिर भी गया तो आपको कोई उतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट, इन्होंने केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी को चुना है, आरती इंडस्ट्री। बढ़िया कंपनी है, 877 रुपये के आसपास शेयर को पिक किया है, आज की रेट पे 900 के ऊपर चल रहा है। कुछ दिन पहले 950 के ऊपर भी चला गया था, फिलहाल हल्का फुल्का करेक्शन के बाद ये 910-16 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट है आरती इंडस्ट्री के अंदर 3,500 रुपये का, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपका सर। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा आप कंटिन्यू कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बेहतरीन जो मुझे लगा इनका सबसे एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट रहा बजाज फाइनेंस के अंदर, वो भी कितने प्राइस पे देखिए, आज से ठीक 1 साल 2 महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए 15 मंथ्स पहले बजाज फाइनेंस का शेयर इसी रेंज पे चल रहा था 2600 रुपये के आसपास। तब दोस्तों इस चैनल पे एकदम स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत बार वीडियो बनाया था, तब 3000 के आसपास चल रहा था। तो जो लोग उस टाइम पे शेयर को पिक किया, आज के डेट पे 1 साल बाद दोस्तों देख ही सकते हो, आपके सामने पूरा का पूरा एग्जांपल है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, एकदम कंटिन्यूअस रिटर्न देने वाला स्टॉक है। आज की डेट पे तो ये 6700 के ऊपर ही चल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर ऑलमोस्ट 13,500 रुपये का, जहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट करना इन्होंने एकदम परफेक्ट निवेश ही किया। तो सर, ये आपका एक्सेलेंट चॉइस है, लॉन्ग टर्म के लिए आँख बंद करके होल्ड करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा शेयर है। HDFC बैंक के अंदर इन्होंने इस शेयर को पिक किया है 1,093 रुपये, आज की डेट पर तो छोड़ ही दीजिए, 1500 के ऊपर ही चल रहा है। टोटल 38-39% का इनको प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ पे इंडिया का एक नंबर प्राइवेट सेक्टर का बैंक मिल गया 7,500 रुपये का, बहुत ही बेहतरीन निवेश इन्होंने कर दिया। तो ये भी आपका अनदर एक्सेलेंट चॉइस है बजाज फाइनेंस की तरह। तो इसके अंदर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने चुना है HDFC लाइफ। तो मेरे ख्याल से लगता है कि HDFC लाइफ के अंदर आपने थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। HDFC लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि देखिए शेयर नो डाउट अच्छा है, कंपनी नो डाउट ज़बरदस्त है, बट थोड़ा सा स्लो चलता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जिस कारण आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। देखिए 584 रुपये के आसपास इन्होंने बहुत पहले शेयर को पिक किया, और लास्ट कुछ टाइम से हमने देख रहा था कि HDFC लाइफ का जो शेयर है वो लगभग नीचे की तरफ 650, ऊपर की तरफ 700 के बीच में बहुत लंबा पीरियड से ट्रेड कर रहा है। तो जिस कारण हमें इनके पोर्टफोलियो में इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। टोटल देखिए 16,000 रुपये के ऊपर निवेश किया। तो सर, मेरा आपको राय यही होगा, अगर आपने मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो उस केस में आप यहाँ पे 10,000 रुपये का ही निवेश रखना, बाकी 6,000 को विड्रॉ कर लीजिए, एंड बाकी जो जो शेयर में मैं आपको बोलूँगा उस शेयर में निवेश कीजिए, ये आपका सटीक रणनीति होगा। नेक्स्ट, इन्होंने और एक बेहतरीन बैंक को चुना है, ICICI बैंक। बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया 400 रुपये के आसपास, आज की डेट पे तो ये कुछ दिन पहले 700 के ऊपर भी चला गया था, आज हल्का फुल्का करेक्शन के बाद 682 के आसपास मिल रहा है। टोटल 70% का बम्पर प्रॉफिट मिल रहा है इनको ICICI बैंक के अंदर।
टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 4,800 रुपये का, बहुत ही शानदार एंड बेहतरीन निवेश। तो इसके अंदर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इन्होंने कितना स्मार्टली इन्वेस्टमेंट किया, देखिए यहाँ पे बिगिनर्स को सीखना जरूर चाहिए। देखिए जहाँ पे इनको यहाँ पे देखिए एक नंबर बैंक मिल गया प्राइवेट सेक्टर का, वहाँ पे 7,500 रुपये का निवेश किया। जहाँ पे इंडिया का सेकेंड प्राइवेट सेक्टर का नंबर सेकेंड बैंक वो देखिए ICICI बैंक, उन इन्वेस्टमेंट देखिए 4,800 का। जहाँ पे इनको थोड़ा सा रिस्की बैंक मतलब थोड़ा छोटा सा बैंक मिला है IDFC फर्स्ट, तो देखिए इन्होंने एक प्राइस तो नॉट आउट बढ़िया प्राइस में उठाया कुछ बहुत महीने पहले ही, बट इन्वेस्टमेंट देखिए इनका कितना 786 रुपये के आसपास। आज की डेट पे IDFC फर्स्ट बैंक इतना ज़्यादा गिर चुका है, कहाँ 60-70 रुपये में पहुँच गया था, वहीं से गिरते गिरते 40 रुपये के आसपास पहुँच चुका है, बट उसके बाद भी देखिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट में है। तो इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। इन्होंने अगर इसी बैंक के अंदर ही अगर 7,500 या 8,000 निवेश करते था तो इनके पोर्टफोलियो में उसका सीधा सीधा इफेक्ट आ जाता। तो इन्होंने यहाँ पे स्मार्टली निवेश किया, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सर आप जितने भी है होल्ड कीजिए। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 450 रुपये के आसपास शेयर को पिक किया, आज की रेट में 520 के आसपास चल रहा है, 15,755 रुपये का बहुत ही बेहतरीन निवेश। बट एक चीज़ सर मैं आपको यह भी बोलूँगा, HDFC लाइफ की तरह IGL भी थोड़ा सा स्लो मूवर है, मतलब नो डाउट कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक के ऊपर कोई बात ही नहीं है, बट थोड़ा सा स्लो चलता है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से IGL के अंदर अगर आपने 8,000 से 10,000 निवेश करता वो बेटर रहता। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप टोटल 15,755 का निवेश किया, 10,000 को छोड़ के बाकी जितने भी शेयर होता है उसको सेल करके या प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इन्होंने और एक बेहतरीन कंपनी को चुना है, IT सेक्टर का दिग्गज कंपनी, और कितना प्राइस पे उठाया देखिए इन्फोसिस को, 913 रुपये के आसपास, ठीक है, मतलब इतना फाइन प्राइस में मिल गया इनको। आज की डेट पर तो ये 1700 के ऊपर ही चल रहा है, टोटल देखिए 90% का प्रॉफिट हो रहा है इन्फोसिस के अंदर, टोटल 6,397 रुपये का बहुत ही सॉलिड निवेश। बट मेरे ख्याल से इन्फोसिस के अंदर अगर आपने और थोड़ा ज़्यादा निवेश करता, देखिए आपने IGL के अंदर इतना ज़्यादा निवेश किया उसका आधा भी आपने इन्फोसिस के अंदर निवेश नहीं किया, तो इन्फोसिस जैसे शेयर के अंदर आप मिनिमम 10,000 से 12,000 निवेश जरूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में कौन सा शेयर इन्होंने पिक किया, ITC अनदर एक स्लो मूवर शेयर, 205 रुपये के आसपास इन्होंने मुझे मेरे ख्याल से काफ़ी बहुत पहले इन्होंने निवेश किया होगा 205 के आसपास, आज की डेट पे 208 के आसपास चल रहा है, इतने महीनों बाद ही देखिए लगभग 1.5% का प्रॉफिट। तो जिस कारण मैं हमेशा बोलता हूँ सारे जो कि व्यूअर्स हैं सारे जो बिगिनर्स हैं कि आपको जरूर अच्छा कंपनी को चुनना चाहिए, बट उसके साथ साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के साथ साथ भी आपको रिटर्न भी तो कंटिन्यूअस चाहिए ना। तो ITC इस टाइप के स्टॉक बहुत ज़्यादा इतना स्लो रिटर्न देता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारा थक जाता है। देखिए इन्होंने 10,000 रुपये का निवेश दिया, अगर आपने ITC जगह टाटा कंज्यूमर को चुनते मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेटर ऑप्शन रहता आपके लिए। एनीवे ITC के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑलरेडी छोटा मोटा प्रॉफिट में, तो यहाँ पे आप आधा सेल कर लीजिए यानी 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। नेक्स्ट इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक दिग्गज को चुना है, लार्सन एंड टूब्रो, 945 रुपये के आसपास, मुझे अच्छे से याद है मैं जब लार्सन एंड टूब्रो का Q2 या Q3 का रिजल्ट का रिव्यू कर रहा था तभी शेयर प्राइस इसी प्राइस रेंज के आसपास चल रहा था, 950 रुपये के आसपास, तभी मैं आपको बताया था, बहुत बहुत पुराने वीडियो मैं बोल रहा हूँ 950 के आसपास पिक करने के लिए। आज की डेट पे देखिए 1600 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 70% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है इनको, टोटल 5,500 रुपये का शानदार निवेश। तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट इन्होंने मदर्स एंड सुमी को चुना है, बढ़िया प्राइस में शेयर को उठाया, और स्पेशली देखिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि पेशेंस रखिए, इन्होंने देखिए पेशेंसली होल्ड किया मदर्स एंड सुमी को, आज की डेट पे इतना ज़्यादा मदर्स एंड सुमी गिर गया है बट उसके बाद भी देखिए इनके पास 46% के ऊपर प्रॉफिट में है, टोटल 4,856 रुपये का शानदार निवेश। तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए। नेक्स्ट देखिए इन्होंने एक PSU स्टॉक को चुना है पावर सेक्टर का, NTPC को, 94 रुपीज़ के आसपास शेयर को पिक किया, आज की डेट पे 113 के आसपास शेयर चल रहा है, टोटल 8,500 रुपये का निवेश। तो यहाँ पे आपको कुछ भी शेयर सेल या बाई करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप होल्ड करें, 20% का प्रॉफिट भी मिल रहा है आपको। नेक्स्ट शेयर इन्होंने पिक किया है रिलायंस इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडिया का नंबर वन कंपनी जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इनका पोर्टफोलियो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, बैंकिंग सेक्टर जैसे जैसे इन्होंने ऐड किया उसके साथ साथ इंडिया का नंबर वन कंपनी रिलायंस को भी रखा है अपने पोर्टफोलियो में, और बढ़िया प्राइस में शेयर को पिक किया 1971 रुपये के आसपास, आज की डेट पे तो ये 2100 के ऊपर चल रहा है, टोटल 8.5-9% के इनको प्रॉफिट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का बहुत ही बेहतरीन निवेश। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सर आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर इन्होंने चुना है ट्राइडेंट को, ट्राइडेंट के अंदर टोटल देखिए इन्होंने फिर से कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, 15 रुपये के आसपास शेयर को पिक किया, आज के रेट में 20 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है,
टोटल 150 रुपये का ही निवेश। तो इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अगर कल गिर भी गया तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसके अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए देखते हैं लास्ट कुछ कौन सा शेयर में आपने निवेश किया। नेक्स्ट शेयर इन्होंने पिक किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अनादर देखिए, इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, जो कि इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी इनके पोर्टफोलियो में कोई भी ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। देखिए इन्होंने जैसे जैसे अच्छा शेयर को भी पिक किया, फंडामेंटल ब्लू चिप शेयर, उसके साथ साथ बहुत ही हाईली रिस्की स्टॉक को भी पिक किया। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 33 रुपये के आसपास शेयर को पिक किया, आज के रेट पे 19 रुपये के आसपास चल रहा है, बट इन्वेस्टमेंट देखिए 650 रुपये के आसपास। इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। 43% किन को लॉस हो रहा है, बट कोई भी इफेक्ट हमें पोर्टफोलियो के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिगिनर्स को इस तरह से इन्वेस्ट करना है, रिस्की शेयर जरूर चुनना है बट कैलकुलेटेड रिस्क। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने जी मीडिया के अंदर निवेश किया, अनादर हाईली रिस्की शेयर, 11 रुपये 35 पैसे, बट कितना शेयर पिक किया, ओनली 22 रुपये 70 पैसे का टोटल निवेश है आज की डेट में। देखिए ये अगर 1 रुपये में भी आ गया तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो पोर्टफोलियो बनाया शेयर काफ़ी अच्छा एंड बहुत ही स्मार्टली मुझे लगा है कि आपने पोर्टफोलियो को बनाया है। तो यहाँ पे आपने कुछ कुछ सेक्टर को मिस किया है, जैसे कि आपने केमिकल सेक्टर से उतना ज़्यादा स्टॉक नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ आरती इंडस्ट्री को उठाया। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आप दीपक नाइट्राइड या नवीन फ्लोरिन के अंदर शेयर पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगा डिक्सॉन, पॉलीकैप इंडिया जैसे बड़े बड़े शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की डेट में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है, डिक्सॉन जैसे शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप जैसे कि इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, फॉलो कीजिए। जैसे भी कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाए, यानी बाइंग लेवल मुझे दिख जाए, मैं तो आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर कर देता हूँ। तो उसी लेवल को आपको शेयर को पिक करना है, और जो जो लेवल मैंने आपको बताऊँगा धीरे धीरे उसके अंदर निवेश करना स्टार्ट कर देना। देखना यही पोर्टफोलियो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे देगा। तो वीडियो कहीं भी अप करता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।